बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। जैसा कि अदिति ने बताया कि आज हम बात करेंगे पीपल का शनि के साथ क्या कनेक्शन है, क्या संबंध है, इसको समझेंगे। लेकिन पहले ये समझते हैं कि पीपल के वृक्ष का आखिर महत्व क्या है। देखिए, पीपल का वृक्ष हिंदू धर्म में सबसे ज्यादा पवित्र माना जाता है। सबसे ज्यादा पवित्र वृक्ष हिंदू धर्म में दो ही हैं, पीपल और बरगद। उसमें भी पीपल को सर्वाधिक पवित्र मानते हैं और मुख्य रूप से इसको भगवान विष्णु का स्वरूप या भगवान कृष्ण का स्वरूप मानते हैं। भगवान कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं अश्वत्थ सर्व वृक्षाणाम, यानी समस्त वृक्षों में मैं पीपल हूं। इसीलिए बहुत सारे लोग, आप देखिए, पीपल को वासुदेव भी कहते हैं। तो मुख्य रूप से यह भगवान विष्णु या भगवान कृष्ण का स्वरूप माना जाता है। इसके पत्तों, टहनियों, यहां तक कि कोपलों में भी देवी देवता का वास है, ऐसा मानते हैं। कहा जाता है कि पीपल के मूल में ब्रह्मा, मध्य में विष्णु और शीर्ष में शिव जी निवास करते हैं। शाखाओं में, पत्तों में और फलों में सभी देवताओं का निवास होता है। अब पीपल को इतना इंपॉर्टेंस इसलिए दिया गया है क्योंकि ये पर्यावरण की दृष्टि से सबसे ज्यादा मूल्यवान है, बहुत सारा ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। इसीलिए इसको धर्म से जोड़ दिया गया ताकि आप पीपल का पौधा मत फेंकें, पीपल के वृक्ष मत काटें, क्योंकि ये धार्मिक दृष्टिकोण से जोड़ दिया गया ताकि पर्यावरण की रक्षा हो सके। ये प्राकृतिक और आध्यात्मिक रूप से इतना ज्यादा महत्वपूर्ण है कि भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, जैसा मैंने पहले बताया, कि वृक्षों में मैं पीपल हूं। और वैज्ञानिक रूप से पीपल इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये सर्वाधिक ऑक्सीजन प्रदान करता है, सबसे ज्यादा ऑक्सीजन सबसे शुद्ध तरीके से लोगों को देता है। तो पर्यावरण को देखते हुए आपके ऋषियों ने कहा कि ये बड़ा पवित्र है ताकि इसको कोई काटे ना, इसको कोई नुकसान ना पहुंचाए। इस बात को समझते हुए कहा गया कि आप पीपल के वृक्ष की रक्षा करिए और इसीलिए इसको धर्म के साथ जोड़ दिया गया। पीपल का वृक्ष बहुत ज्यादा पवित्र है क्योंकि ये हमारे जीवन को बढ़ाने में हमारी सहायता करता है, हमें प्राण वायु प्रदान करता है। और पीपल का वृक्ष इतना ज्यादा महत्वपूर्ण है कि ये कृषि के काम में, खेती किसानी के काम में भी लोगों की सहायता करता है। तो देखिए, पीपल के महत्व को चाहे धार्मिक रूप से समझिए, चाहे आप वैज्ञानिक रूप से समझिए, पीपल का वृक्ष महत्वपूर्ण है, पवित्र है, इसमें कोई दो राय नहीं है। पीपल के वृक्ष की महिमा आपको बता दी। और जैसा कि हम जानते हैं कि जब भी सलाह मैं देता हूं, आपको कहता हूं कि शनिवार की शाम को पीपल के नीचे दीपक जलाइए या पीपल के वृक्ष में जल अर्पित करिए। आखिर पीपल के वृक्ष से शनि का संबंध क्या है? देखिए, पीपल के वृक्ष के जो गुण हैं वो शनि से काफी मिलते जुलते हैं। आप पीपल के वृक्ष को काट देंगे, थोड़ी सी भी अगर छोड़ देंगे तो वो दोबारा पनप जाएगा। ठंडी हवा देना, अनुशासन का पालन करना, लोगों के कल्याण में लगे रहना, ये जो गुण हैं ये शनि से प्रभावित हैं। इसके अलावा पीपल जो है वो भगवान कृष्ण का स्वरूप है और भगवान कृष्ण शनिदेव के इष्ट देव हैं। शनिदेव जिनका ध्यान करते हैं, जिनकी पूजा करते हैं, वो हैं भगवान कृष्ण, और पीपल का वृक्ष भगवान कृष्ण का स्वरूप माना जाता है। पीपल से संबंध रखने वाले पिप्पलाद मुनि ने शनि को दंड दिया था। एक पिप्पलाद मुनि थे, वो शनि के ऊपर कुपित होकर के उन्होंने शनि का पैर तोड़ दिया था, ऐसी एक कथा आती है। पिप्पलाद मुनि ने चूंकि शनि को दंड दिया था तो उन्होंने ये भी कहा कि जो कोई पीपल का पौधा लगाएगा, पीपल के वृक्ष की उपासना करेगा, उसे शनि की पीड़ा परेशान नहीं करेगी। तब से माना जाता है कि पीपल के वृक्ष की पूजा करने से शनि की पीड़ा शांत होती है। और
पीपल के वृक्ष की उपासना आप किसी भी रूप में करें, या आप सुबह सूर्योदय के पहले पीपल के वृक्ष में जल चढ़ाएं, या आप सूर्यास्त के बाद पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं, इन दोनों में से कोई भी काम अगर आप करें, या पीपल के पौधे लगवाएं, पीपल की देखभाल करें, तो इससे शनि की कृपा बहुत आसानी से मिल जाती है। और एक बात मैं बता दूं कि अगर आप नियमित रूप से सुबह के समय पीपल के वृक्ष में जल डालें तो आपको कभी भी आर्थिक रूप से समस्या नहीं होगी, यानी धन संबंधी समस्याएं आपकी आसानी से दूर हो जाएंगी। इसलिए पीपल के वृक्ष के साथ संबंध रखने से वैज्ञानिक रूप से भी फायदा होता है, और ज्योतिषीय दृष्टिकोण से अगर आपको शनि संबंधी कोई समस्या है तो वो समस्या दूर हो जाती है।